ये जो भी है काफी सही चीज है, और लेकिन ये चीज जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सही चीज होने वाला है कसम से। एग्जैक्टली ये चीज क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस मुंह को देखो, बालों को देखो, पसीना देखो, इसीलिए नहा के आता हूँ फिर बात करेंगे। तो गाइस मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा टॉवल, अभी 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 मैं जा रहा हूँ, कैसे नहाऊंगा दिखाऊंगा। डोंट वरी मैं ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ नहीं करूंगा यार, तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा, जरूर कुछ अलग होगा। अब बात करेंगे कि मैं तो पहले फैक्ट्स बताया करता था, फैक्ट्स की वीडियो बनाया करता था, लेकिन अचानक से फैक्ट्स के वीडियो बनाना बंद कर दिया और ये क्या व्लॉग जैसा क्या स्टार्ट कर दिया। अब सुनो मेरे बात को ध्यान से सुनना, पहली बात तो यूट्यूब पे फैक्ट्स के वीडियोस और फैक्ट्स के चैनल्स भरे पड़े हैं, अनगिनत भरे पड़े हैं, और मुझे उस भीड़ के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, और इसी वजह से मैं फैक्ट्स बताना मतलब फैक्ट्स की वीडियोस बनाना बंद कर दिया, मतलब छोड़ दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर यह क्वेश्चन आया होगा कि क्या मैं ब्लॉग बना रहा हूँ या फिर मैं आगे ब्लॉग बनाता रहूंगा, तो इसका आंसर यस भी है और नो भी। लेट्स डीकोड, मैं अपनी लाइफ को और मेरे प्रेजेंट को एक डायरी में कैद करना चाहता हूँ, जो कि फ्यूचर में जाकर अभी मेरा जो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाएगा। हम भले ही हमारी पास्ट को फिर से जी नहीं सकते, फिर से एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन उस समय की फीलिंग्स को फिर से फील कर सकते हैं, अगर हमारे पास उस समय की कुछ मेमोरी होगी तो। और मैं अपनी इस मेमोरी को एक डायरी में कैद करना चाहता हूं, और अभी मुझे YouTube से बेस्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं दिखा, इसीलिए आप इसे व्लॉग कह सकते हो। और अब बारी है डिकोड करने की। आप इसे व्लॉग इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं दिखाऊंगा, मेरे बात को गौर से सुनिए, मैंने ये कहा कि मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग करूंगा। अलग करूंगा, अलग करूंगा, अलग करूंगा, क्या अलग करेगा यार, बता तो दो क्या अलग करना है तुम्हें। हर एक इंसान की जिंदगी की दो साइड्स होती है, लेकिन आप जो लोगों की व्लॉग में देखते हो वो उस इंसान की लाइफ की सिर्फ एक साइड है, उस इंसान की लाइफ की दूसरी साइड उस इंसान के अलावा और किसी को भी नहीं पता। मैंने किसी से ये बात सीखा है, अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो आपकी लाइफ में ये तीन चीजें होना जरूरी है, मतलब आपकी जिंदगी में अगर ये तीन चीजें है तभी आप व्लॉग बना सकते हो। नंबर वन, आप डेली ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो। नंबर टू, डेली आपकी नए लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हो और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। इस तरह से। लेकिन मेरे लाइफ में इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं व्लॉग तो बनाऊंगा लेकिन कुछ अलग जरूर करूंगा। ये आपको पत्थर फेंक के मारेंगे, सही में बता दे रहे हैं, आप तब से लगा रखे हैं कुछ नया करेंगे नया करेंगे नया करेंगे, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो। मैं अपने ब्लॉग में वो तीन चीजें करूंगा जो कि आज तक शायद कोई भी यूट्यूब में नहीं कर रहा है। आप जब मेरे वीडियो को देख के खत्म करोगे और अपने आप से पूछोगे कि मैंने अभी क्या देखा, तो आपके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, मैंने तो अभी इस बंदे की ब्लॉग देखा, लेकिन इसमें से ब्लॉग वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, और हाँ ब्लॉग वाली मसाला भी नहीं था, लेकिन कुछ मैजिक मसाला जरूर था। दूसरा, मेरे वीडियो या फिर मेरे व्लॉग कह सकते हो वो खत्म होते होते आप उसमें से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जा रहे होंगे। और तीसरा, मेरे वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे एंटरटेनिंग फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और जिसे देखकर आपकी दिमाग तो फ्रेश हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी दिल को भी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ओके, वीडियो शायद बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग एंड दिन में सपना जरूर। पहली वीडियो की शूट को खत्म किया है, शायद एक और दो सीन भी बाकी है जिसे की शूट करना है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से अंदर से एक टाइप की खुशी आ रही है यार, कुछ अलग फील हो रही है जो कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। पहले जो मैं बता रहा था एक अलग टाइप की फीलिंग्स के बारे में,
शायद वो फीलिंग यही है जो कि अभी तो फील हो रही है, लेकिन बाद में इसके बारे में सिर्फ सोचने से फील नहीं होगी, आपके पास एक मेमोरी होगी और ये है मेरा मेमोरी जिसे कि मैं बाद में फिर से रिकॉल कर सकता हूँ। अरे यार क्यों, अंदर से बहुत ही तगड़ा फीलिंग्स आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है, सुकून मिल रहा है दिल को।